तोड़ के रख दिया बुमराह साहब की कप्तानी में बुमराह ने आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग कैप्टनसी करी है यशस्वी जयसवाल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है विराट कोहली ने क्लास दिखाई है मास्टर क्लास दिखाई है आ, मैं तो बोलूंगा लेकिन मेरे फेवरेट बैटिंग इस टेस्ट मैच में के राहुल ने करी है पहली इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी आ, नई बॉल को सी ऑफ करा में जिस तरीके yes. से बैटिंग करी इवन नितिश कुमार रेड्डी अनसंग हीरो रहे हैं आपके लिए डीएसपी सिराज ने गिरफ्तार किया को हर्षित राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी वॉशिंग ने अपना रोल निभाया पूरा टोटल टीम एफर्ट एंड हैव नॉट ओनली बीटन ऑस्ट्रेलिया दे हैव ह्यूमिलिएटेड ऑस्ट्रेलिया एट पर्थ पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली पहला टेस्ट रखा था कि भैया हमें मोमेंटम मिलेगा हम यहां पे जीतेंगे सेकंड हम डे नाइट टेस्ट मैच आयरलैंड में जीतेंगे थर्ड हम गावा में जीतेंगे और इंडिया को पकड़ लेंगे व्हाइट वॉश होकर हैं लेकिन इंडिया ने पहले ही टेस्ट मैच में हरा कर ऑस्ट्रेलिया को बता दिया है कि डब्ल्यू फाइनल हम जा रहे हैं वी आर वेरी सीरियस अबाउट द डब्ल्यू फाइनल डब्ल्यू फाइनल जानने के लिए आपको क्या चाहिए था आपको चाहिए था आप चार मैच जीतो पांच में से कम से कम चार एक तो जीत लिया अब तीन बचे हैं सिडनी और मेलबर्न वहां पे स्पिन ज्यादा कारगर साबित होगी तो आप अश्विन को जडेजा को जिसको मर्जी खिलाना खिला सकते हैं वहां पर आप इनको पकड़ सकते हैं एडिलेड में आप मोमेंटम लेके जा रहे हैं और गाबा पहले भी जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलियंस के लिए बहुत है देख है लाभूसैन चल नहीं रहा स्मिथ चल नहीं रहा ख्वाजा चल नहीं रहा कमिंस को विकेट नहीं मिल रही पिटे जा रहा है लायन को हम वैसी बॉलर नहीं समझते बचे स्टाक और हेजलवुड उनको भी नलिफाई कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कम करना बड़ा मुश्किल होगा इंडिया ने पर खच्चे उड़ा के रख दिए एंड एम वेरी हैप्पी फॉर जसप्रीत बुमराह एंड विराट कोहली ये जो जोड़ी रही है ना mm. कि बड़े सारे फैंस ने बोला देखिए विराट कोहली भी लीडरशिप दिखा रहे हैं जसप्रीत बुमराह तो लीडरशिप दिखा ही रहे हैं ये छोड़ दीजिए फील्ड सेटिंग कौन कर रहा था या कप्तानी ऑब्वियसली बुमरा नहीं करी उसका क्रेडिट देना विराट कोहली को बनता नहीं है लेकिन ये जो बॉन्डिंग थी ना दोनों mm. की जसप्रीत बुमराह ने वहां से mm. विकेट्स लिए और विराट कोहली ने पारी को संभाला यशस्वी जयसवाल के आउट होने के बाद दिस वॉज जस्ट सो हार्टनिंग टू सी एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर गौतम गंभीर Hmm. भाई गौतम गंभीर जो कि ऑब्वियसली उनकी नीयत बड़ी नेक है थोड़े से सीरियस रहते हैं देश के लिए पहले सोचते हैं थोड़े टफ टास्क मास्टर भी लगते हैं वो जब इंडिया में ही वाइट वॉश होने का एक तरीके का धब्बा उनके सीवी पे लग गया था 2007 वर्ल्ड कप विनर 2011 वर्ल्ड कप विनर वो आकर बीजी टीम जब पहला टेस्ट मैच टेस्ट मैच पर्थ के अंदर अगेंस्ट ऑल ऑर्ड्स पूरी टीम ऑलमोस्ट चेंज हो गई रोहित शर्मा नहीं थे शुभमन गिल को लास्ट मोमेंट पे अंगूठे पे लग गई आपके लिए हर्षित राणा को लेके आए नितिश रेड्डी को लेके आए देवदत्त पंडिकुल को टीम में डाला के राहुल से ओपन कराया और इस सब के बावजूद टेस्ट जो पर्थ में था इतना बड़ा चैलेंज था आपके लिए आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट तीन रन 295 रन से हरा दिया इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी ऑस्ट्रेलिया को कि गौतम गंभीर में भी नई ऊर्जा नई एनर्जी और एक नई रिस्पेक्ट Hmm. मिलेगा गौतम गंभीर को अब फ्रॉम इंडियन फैंस एंड फ्रॉम द इंडियन टीम वेल तो भैया आप जैसे मैंने बोला फॉर्मेलिटी खत्म हो चुकी है hmm. पहला टेस्ट मैच आपने जीत लिया hmm. तो अब सिर्फ आ, सवाल यही बच गया है कि जब रोहित शर्मा वापस आएंगे तो क्या होगा चलिए इसका भी जवाब आपको दे ही देता हूं कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है hmm. रोहित शर्मा पहले ही पिंक बॉल से वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे नेट्स में रोहित शर्मा जब वापस आएंगे तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे तीन नंबर पे शुभमन गिल हो जाएंगे नंबर पे विराट कोहली हो जाएंगे ध्रुव जुरेल ड्रॉप हो जाएंगे पांचवे के एल राहुल देवदत्त पडिकल आउट तीन नंबर पे जो खेले थे देवदत्त पटिकल आउट और रोहित शर्मा कप्तान जसप्रीत बुमराह उप कप्तान यही होगा दोबारा मत पूछना इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता और बढ़िया ही होगा एडलेट के टेस्ट मैच में लेकिन यार थका दिया इन्होंने मतलब इतना बोर कर दिया इतना बोर कर दिया रन इनसे बने नहीं बॉलिंग इनसे हुई नहीं और हमने इनको मार मार के इनका भरता बना दिया और सारी की सारी अकड़ खत्म कर डेढ़ से तो, सेशन जो इंडिया ने डेढ़ बनाए उसके बाद से उसके दो, दो दो सेशन उसके हमारे बाद से लेकर अब आज तकरीबन लगातार इंडिया ने डोमिनेट किया ये बिल्कुल मुझे वो वो जो डब्ल्यूटीसी टीसी जीते थे जहां पे याद होगा पहले तीन विकेट हमने लिए उसके बाद पूरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा था और हम चेस कर रहे थे एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से हुआ कि पहले डेढ़ सेशन उन्होंने जीता डेढ़ दो सेशन और उसके बाद, उतने ही हाँ, ही उसके बाद उतना ही कुछ मार्जिन उसके बाद उतना ही मार्जिन है इतने मार्जिन से हम भी आसपास आ रहे थे और हमने

चौदह uh, ओवर में फिफ्टी वन रन दिए तीन विकेट यहां पे ली बहुत अच्छी बॉलिंग करी आज सिराज ने uh, बुमराह की इक्वली बॉलिंग करी आज तो भैया इनिंग्स में बोलूंगा हर्षित राणा अगेन एक्सपेंसिव रहे पांच रन पर ओवर से लेकिन लास्ट विकेट उनको मिली एलेक्स uh, कैरी की ठीक है बोल्ड मारा वरना धुलाई बड़ी हुई थी आज उनकी वॉशिंगटन सुंदर दो विकेट ले गए पंद्रह ओवर में अड़तालीस रन थ्री पॉइंट टू की रिस्क था वॉशिंग्टन सुंदर को खिलाना अश्विन को बाहर बिठाना रविंदर जडेजा को बाहर बिठाना बट वन साइड थ्रैशिंग और नीतीश रेड्डी ने भी, भी बोल्ड मारा को अच्छी जान मारी में, थोड़े hmm. से रन जरूर दिए hmm. लेकिन विकेट ले गए क्लीन स्वेप एंड पल्वराइज एट होम नाउ इंडिया इंडियन गॉन इन टू पर्थ एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एनआईलेटेड and humiliated Australia.